मुंगेली जिले में भारी बारिश से लोरमी का खुड़िया बांध लबालब है और जिसके चलते बांध के सुंदर नजारे भी देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक पहुंच रहे हैं। साथ ही लोग जान जोखिम में डालकर सक्री वॉल से सेल्फी और फोटो ले रहे हैं। लोरमी के खुड़िया राजीव गांधी जलाशय खड़ल जहां पर 75 फीट पानी के बाद दो दिनों से उलट का नजारा देखने को मिल रहा है और लोग दूर दूर से इस उलट को देखने के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त कुछ ग्रामीण है, उनसे जानना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है उन्हें कि ये जो नजारा है काफी जी बताएंगे किस तरीके से पूरा नजारा है। ये खुड़िया जलाशय पर स्थित आज दूसरा दिन है उलट चलता हुआ। यहाँ से बहुत दूर दूर से प्राकृतिक स्थल को देखने के लिए ये कुदरत एक करिश्मा कहा जाए, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि यहाँ शासन प्रशासन द्वारा कोई प्रकार से सावधानी नहीं बरती जाती है। और ये जो मनियारी जलाशय पर स्थित खुड़िया बांध है ये पूरा लोरमी मुंगेली जिला का कहा जाए सबसे बड़ा मनियारी जलाशय है, जो पूरे क्षेत्रों में भी अपनी प्रभाव बरती हुई जाती है। और यहाँ पे प्राकृतिक वातावरण बहुत सुंदर और दृश्य है, लोग भरपूर आनंद ले रहे हैं आने के बाद। लोगों का कहना है कि किसी तरीके से शासन प्रशासन के द्वारा कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए और किसी भी समय पर बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। लोरमी से संदीप दिशा को स्वराज एक्सप्रेस। आज बहुत लोगों की अपार कहा जाए इस लोरमी धाम सभा में बहुत अपार कहा जाए, दो दिनों से लगातार भीड़ यहाँ चलता हुआ, लोगों दूर दूर से बहुत लोग आ रहे हैं और इस प्राकृतिक का आनंद उठा रहे हैं। चारों ओर जंगल है यहाँ पे और नदी बीच से प्रवाह होते उलट का नजारा है। पहली बार देखा हूँ, बहुत ही अच्छा नजारा है। हम लोग बिलासपुर गए हुए थे, कल मैंने न्यूज चैनल में सुबह पढ़ा कि ओवरफ्लो चल रहा है करके। कल की हमारी प्लानिंग थी कि जहाँ आएंगे करके हम लोग सीधे बिलासपुर से इधर आ गए लोरमी। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? ये बहुत ही मनोरम दृश्य है, ये प्रकृति का।